दोस्तों इस डिबेट में देखेंगे जब सुधांशु त्रिवेदी हरियाणा चुनाव पर बात करते करते राहुल गांधी को लेकर गलत टिप्पणी कर देता है, जिस पर आशुतोष भड़क जाते हैं और लाइव डिबेट में ही सुधांशु त्रिवेदी को बेइज्जत कर देते हैं। देखें ये पूरा वीडियो और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। सात सात गारंटी सुधांशु जी, वो भी कांग्रेस पार्टी ने भी वहां पर रखा है। मेरे दो प्रश्न है आपसे, दोनों का जवाब दीजिएगा, जो अभय जी कह रहे हैं उसका भी, लेकिन एक मुख्य बात ये है कि आपके लिए उन तमाम जगहों पर, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा हो, तीसरी बार जब आप जा रहे हैं, आपके वोटर में जो आपका कोर वोटर भी है, उसका एंथुजियाज्म बहुत कम हो गया है वोटिंग को लेकर, तो आपको इसका खामियाजा यूपी कई जगहों पर, देश भर में भी भुगतना पड़ा है। वोटिंग परसेंटेज गिरी, आपके कई वोटर्स निकले नहीं, उनमें वो जोश कम हुआ है। और दूसरा मुद्दा है परिवारवाद पर, ने चाहे वो 14 हो, 1900, 24 हो, बार बार आपने घेरा, विधानसभा चुनाव में आप घेरते हैं, फिर उन लोग वो देख नहीं रहे क्या कि आपने श्रुति चौधरी को क्यों टिकट दिया, वो देख नहीं रहे कि आपने भव्य बिश्नोई को क्यों टिकट दिया। पूरी लिस्ट है सर, बहुत लंबी। बेशर्म हो, शर्म करो, शर्म। और ये सब वही विरासत वाली पॉलिटिक्स के झंडावरदार हैं जिनको आपने टिकट दिया, तो आप फिर किस मुंह से भाई भतीजावाद पर आप दूसरे पर टिप्पणी करें। वाह दीदी, वाह दीदी। पहले तो मैं कहूंगा, अभय दुबे जी शुरू हुए तो क्या कहने लगे, देखिए हम तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं और ये जात की बात कह गए। हम तो नहीं आए, ये जात जात सियासत की बिसात के ऊपर तो राहुल गांधी बोलते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस में वो आज तक कांग्रेस के सबसे असफल अध्यक्ष रहे। अच्छा, हमको सिखा रहा है। सबसे असफल नेता रहे 139 साल के इतिहास में, पहला मौका है, कांग्रेस 3 बार में थर्ड डिजिट नहीं टच कर पाई है। और तो उनको समझाइए ना कि परफॉर्मेंस की बात करो या जात की बात करो, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और आपके मुंह से अंत में जो कर्नाटक निकल गया तो बहुत याद आया, कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है, और जिसपे इतना संवेदनशील बयान है कि ये तो इन्होंने निजी कारणों से किया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 1200 किसान निजी कारणों से आत्महत्या कर चुके हैं, और आपने कहा जो गारंटी पूरी की थी सबको पता है, आपने गारंटी पूरी करने के लिए वाल्मीकि योजना में से SC ST के वेलफेयर में से फंड निकाल के उड़ा दिया। 2000 देंगे, 6000 देंगे और अंदर सैकड़ों करोड़ों रुपए अंदर कर लेंगे नेताओं के, ये कांग्रेस ने कर्नाटक में करके दिखाया। इस पे आते जो परिवारवाद की बात करें, अंजना जी मैं कई बार आपके चैनल पे भी बोल चुका हूँ, परिवारवाद और परिवार में अंतर होता है, जैसे पूंजी और पूंजीवाद में अंतर होता है। हाँ बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। पूंजी सबको चाहिए, चाहे नौकरी के माध्यम से मिले या व्यापार के माध्यम से मिले, जीवन यापन करने के लिए। पूंजीवाद ये होता है कि सारी पूंजी मेरे पास, तो परिवार का व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता, ये प्रतिबंध नहीं लग सकता। परिवारवाद ये होता है कि पार्टी ही मेरी रहेगी। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आज हम 2024 में बैठे, जाके चेक करिए, 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, और वहां से 1930 लाहौर कांग्रेस में नेहरू जी को मिला, और आज तक उनके पास है। और मैं चुनौती से कहता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा छोड़ के जितनी पार्टियां हैं, सुनिए, RJD हो या सपा हो, 90 से बने, परिवार पर ही है, 35 साल से कंट्रोल। झूठ पे झूठ, तेरी मां की। आशुतोष जी, उस पर भी आपका जवाब, और साथ ही जो सुधांशु जी ने कहा है, लेकिन परिवारवाद की ये परिभाषा क्या, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। देखिए अंजना जी, जब भी नरेंद्र मोदी के युग का असेसमेंट किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि अटल आडवाणी के जमाने में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स पैदा किए उन लोगों ने। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इतनी शानदार, इतनी मजबूत थी कि आज भारतीय जनता पार्टी उसके मोमेंटम पे चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जमाने में आप देखिएगा, जितने क्षेत्रीय सत्रप थे सबको ठिकाने लगा दिया, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, आप कहीं भी जाके देख लीजिए। और ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में एक देखा जाएगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। कहा जरूर जाता है कि देखिए हम अननोन लोगों को बना रहे, लेकिन यही काम इंदिरा गांधी ने अपने जमाने में किया था। जब भी किसी की जड़ में जड़ जमने लगती थी तो उसके बाद उसको उखाड़ के देखा जाता, जड़ तो नहीं जम रही, फिर उनको हटा दिया जाता। सुधांशु जी ने बड़ी अच्छी बात की, FDI के बारे में बातचीत की, तो मैं थोड़ा सा डेटा उसके बारे में देना चाहता हूं। कर्नाटक के बारे में बात की, मैं ऑल इंडिया के बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए 1922 में भारत में जो FDI था $49 बिलियन था। बात तो सही है। $49 बिलियन। 2023 में वो घटके हो गया $28 बिलियन। 2024 में RBI की रिपोर्ट के मुताबिक वो घटके हो गया $10 बिलियन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 2007 के बाद हिंदुस्तान में FDI का इनफ्लो सबसे कम है 2007 के बाद से, और भारत का FDI रैंकिंग 15 से 8 से घटके 15 पे चला गया है।
तो ये जो अर्थव्यवस्था की स्थिति, दरअसल यही भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में सबसे बड़े मुश्किल का सबब है। ठीक है, वेरी गुड सुधांशु जी, इसका एक सीधा जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि आशुतोष जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं $10 बिलियन FDI रह गया है। अरे भैया, $650 बिलियन तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो पिछले एक डेढ़ साल में 500 से 650 बिलियन पहुंचा है। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 650 बिलियन है और रह गया है 10 बिलियन। मतलब ये कहां से आंकड़े आते हैं और ये कौन सा किस रूप में प्रस्तुत करता है? मुझे लगता है ये वही है जो भ्रम फैला के भारत के बारे में दुष्प्रचार करना चाहते हैं। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि विधानसभा चुनाव में जैसा इस वक्त भी ज्यादातर जो सर्वेज या एनालिस्ट है वो इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत दिख रही है। पार्टी बदल लिया साला। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे ही सबने सरकार बना दी थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, लेकिन नतीजे आए वो हमारे पक्ष में आए। ऐसे में क्या किसको एक पार्टी आपको ज्यादा मजबूत दिख रही है, और पीएम के इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय? बताता हूँ। देखिए अंजना जी, आज की तारीख में हरियाणा को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है, और अगर आश्वस्त है तो उसके बहुत स्पष्ट कारण, पार्लियामेंट इलेक्शंस और इस बार असेंबली इलेक्शन में 12% का वोट ड्रॉप हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जो नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि 2014 हो या 2019 हो, प्रधानमंत्री के चुनाव में जो जितना वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ता है उसकी तुलना में असेंबली में घटता जरूर है। सही पकड़े हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन में अगर बीजेपी का वोट परसेंट 2019 की तुलना में अगर 12% गिर जाए और कांग्रेस पार्टी को 20% का अगर जंप मिलता है, तो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बेस जो है वो हरियाणा के अंदर पिछले दिनों काफी बढ़ा है, जलवा है हमारा। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, 2019 में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो वोट का परसेंटेज लोकसभा के चुनाव में था वो 30% का था, यानी बीजेपी को 58% वोट मिला था और कांग्रेस को 28% वोट मिला था। आज की तारीख में जब 2024 में हम आते हैं तो कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज बीजेपी से 1.5% ज्यादा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।